झालावाड़ जिले में आज दो सगे भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई। जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के अकोदिया गांव के पास मवेशी चराने गए दो बच्चे आहू नदी के गहरे पानी में डूब गए। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे सगे भाई थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बालकों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सुनेल थानाधिकारी मनसीराम विश्नोई ने बताया कि अकोदिया गांव के रहने वाले 8 वर्षीय आनंद और 11 वर्षीय विकास भैंसों को चराने के लिए अपने घर से निकले थे। इस दौरान भैंसें पानी में उतरी और एक बालक ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की और वो खुद भी पानी में उतर गया। जैसे ही वो डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी पानी में कूद गया और इसी दौरान दोनों आहू नदी के गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और गोताखोर मौके पर पहुंचे और बच्चों को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। आज ये गांव आकोदिया में लगभग 11:30 बजे के समय समथिंग यहां पे दो बालक जो इसकी एक उम्र 5 साल है और एक की 10 साल है वो आज यहां उनकी जो है पास में भैंसे वगैरह नदी के पास में चलने आई होगी वो पानी में जाने के पश्चात वो भी उनको बाहर निकालने के चक्कर में जो है पहले एक बच्चा गया उसको बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा गया और दोनों ही है जो डूब गए। अभी रेस्क्यू चालू है, गांव वाले ग्रामीण प्रशासन सभी इसी में लगा हुआ है कि बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए। घटना की सूचना मिलते ही सुनेल थाना अधिकारी सहित पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और झालावाड़ से रेस्क्यू टीम बुलाकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल खबर लिखे जाने तक दोनों बच्चों का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए झालावाड़ से बलबहादुर सिंघाड़ा की रिपोर्ट।